स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। पहले जाने सुने आज की गपशप। कांग्रेस पार्टी की आर्थिक स्थिति को लेकर दो खबरें आई हैं। पहली खबर तो यह थी कि पार्टी के पास पैसे की बहुत कमी हो गई है और अभी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां के नेताओं और संभावित उम्मीदवारों से कहा जा रहा है कि वे अपने लड़ने के लिए पैसे का इंतजाम खुद करें। दूसरी खबर यह है कि पिछले वित्त वर्ष में कांग्रेस को मिलने वाले चंदे में 5 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में कांग्रेस को 146 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए उसे कंपनियों के बनाए ट्रस्ट के जरिए मिला है। सबसे ज्यादा चंदा टाटा समूह के बनाए ट्रस्ट ने दिया है। इससे पहले के वित्त वर्ष में कांग्रेस पार्टी को कुल 26 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। 26 करोड़ रुपए से बढ़कर 146 करोड़ रुपए हो जाने को कांग्रेस के नेता अहमद पटेल इफेक्ट मान रहे हैं। ध्यान रहे, अहमद पटेल को पिछले साल अगस्त में तब के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था। तभी पार्टी के पास पैसे नहीं होने की खबरों के बावजूद कांग्रेस के नेता भरोसे में हैं कि अहमद पटेल कोई न कोई जुगाड़ करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस नहीं छोड़ना और उनको चुनाव प्रबंधन का जिम्मा दिया जाना भी अहमद पटेल इफेक्ट है। सो इस तरह भी अहमद पटेल कांग्रेस को चुनाव लड़ने में सक्षम बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति कर रहे हैं या केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई के अभियोजन शाखा से जुड़ गए हैं। हरियाणा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल चले जाएंगे। राज्य का चुनाव होने में सिर्फ 1 महीने का समय है और राज्य सरकार के एक मंत्री का दावा है कि इस बीच हुड्डा जेल चले जाएंगे। उनका यह बयान जाट वोटों को कांग्रेस के पक्ष में गोलबंद होने से रोकने के लिए दिया गया है, पर इससे इन आरोपों को भी बल मिलता है कि विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह का है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की तरह कर दिया जाएगा। सवाल है कि बलिया में बैठे सुरेंद्र सिंह को कैसे पता है कि ममता बनर्जी का हाल चिदम्बरम की तरह हो जाएगा। जाहिर है उन्होंने भाजपा की विरोधी पार्टियों के नेताओं को जेल भेजने की एक के बाद एक हो रही घटनाओं के आधार पर यह बात कही है। इससे भी विपक्ष को निशाना बनाए जाने के आरोपों को दम मिलता है। बिहार में विधानसभा की 5 और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। उससे पहले महागठबंधन की पार्टियों में तनाव बढ़ गया है। सबसे पहले कांग्रेस ने दावा किया है कि लोकसभा की एकमात्र सीट पर वह लड़ेगी और विधानसभा की 5 में से 3 सीटें उसे चाहिए। इस बीच मांझी की पार्टी हमने विधानसभा की 2 सीटों पर दावेदारी कर दी है। गठबंधन की मुख्य पार्टी राजद ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। असल में 5 विधायकों के सांसद बन जाने से 5 सीटें खाली हुई हैं। इनमें से 1 सीट कांग्रेस जीती हुई थी और 4 जदयू की थी। किशनगंज से कांग्रेस के विधायक अब उसी सीट से सांसद बन गए। सो कांग्रेस का दावा इस सीट पर तो बनता है, लेकिन बाकी सीटों पर राजद का दावा बनेगा। समस्तीपुर की सुरक्षित लोकसभा सीट लोजपा नेता रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान के निधन से खाली हुई है। इस पर 2019 का चुनाव कांग्रेस लड़ी थी। कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे अशोक राम को पार्टी ने यहां से उतारा था। 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस यहां मामूली अंतर से हारी थी। सो अब वह इस सीट पर लड़ना चाहेगी। अब गठबंधन के नेताओं को तय करना है कि राजद और कांग्रेस में सीट का बंटवारा कैसे होगा। आप देख रहे हैं सोचे सोचना जरूरी है। अब है खुलासा। ताजा सुर्खियों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है, उसका मतलब क्या है और ओढ़ छोर क्या, इसे समझने के लिए अब देखें आज का खुलासा। केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्री ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में रोजगार की कमी नहीं है, बल्कि कुशल युवाओं और पेशेवरों की कमी है। श्रम व रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने शनिवार को अपने चुनाव क्षेत्र बरेली में पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि रोजगार की कोई कमी नहीं है, पर जो कंपनियां भर्ती करने आती हैं वो कहती हैं कि उत्तर भारत में योग्य और काबिल लोगों की कमी है, उनमें कौशल यानी स्किल का अभाव है। इसके लिए भारत सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय बनाया है और युवाओं को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जा रहा है। पहले खबर आई कि उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत के लोग अयोग्य और नाकाबिल होते हैं। बाद में उन्होंने सफाई दी तो स्थिति और हास्यास्पद बन गई। उनकी ओर से सफाई में कहा गया कि उन्होंने कौशल की कमी बताई है, नाकाबिल नहीं कहा है। याद करें 2-4 दिन पहले इसी तरह एक और पढ़े लिखे मंत्री ने आइंस्टीन और न्यूटन में कंफ्यूज करके अपनी हंसी उड़वाई थी। उन्होंने जो सफाई दी थी उससे और मजाक बना था, क्योंकि अपनी सफाई में भी वो समझ नहीं पाए थे कि लोग किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं। वही स्थिति श्रम व रोजगार मंत्री की है। उनको भी समझ में नहीं आया कि उनके बयान की किस बात का विरोध किया जा रहा है। उनको लगा कि नाकाबिल शब्द से लोग नाराज है, इसलिए उन्होंने कौशल की कमी बता दी। पर असल में लोगों की नाराजगी ये कहे जाने से है कि देश में रोजगार की कमी नहीं है, असलियत यह है कि देश में रोजगार की भयंकर कमी है। रोजगार के नए अवसर की बात छोड़े, लोगों की पुरानी नौकरियां जा रही हैं। सरकार खुद अपनी कंपनियों में छटनी कर रही है, क्या वो भी कुशलता के आधार पर हो रही है।
सबसे पहले रोजगार के मसले पर सरकार की अपनी रिपोर्ट क्या कहती है ये देखना जरूरी है। केंद्र सरकार ने काफी समय तक इस बारे में आंकड़े जारी नहीं किए थे। इस साल के शुरू में जब एक अंग्रेजी के कारोबारी अखबार ने रोजगार का डाटा छाप दिया तो सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया, पर लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सरकार ने मान लिया है कि बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने जो डेटा छापा था वो सही था। उसके मुताबिक भारत में बेरोजगारी की दर पिछले 35 साल के उच्चतम स्तर पर है। 1972 के बाद पहली बार भारत में बेरोजगारी की दर 6.1% पहुंची है। ये भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात इसलिए है क्योंकि 2011-12 में बेरोजगारी की दर भारत में सिर्फ 2.2% थी। 6-7 साल में ये 2.2 से बढ़कर 6.1 हो गई है और अभी निकट भविष्य में इस बात की कोई संभावना नहीं दिख रही है कि इसमें कमी आने वाली है। सरकार की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में 15 से 29 साल की उम्र के करीब 20% पुरुष और 27% महिलाएं काम की तलाश कर रही हैं। ग्रामीण इलाकों में ये औसत थोड़ा कम है। ये भी याद रखने की जरूरत है कि भारत में 65% आबादी 35 साल से कम लोगों की है और हर साल 1,20,00,000 नए लोग रोजगार की तलाश में जुट रहे हैं। अब सवाल है कि लोग काबिल नहीं है इसलिए काम नहीं मिल रहा है या रोजगार ही गायब हो गए। श्रम मंत्री का कहना है कि लोग काबिल नहीं है जबकि हकीकत यह है कि रोजगार गायब हो गए हैं। ध्यान रहे भारत में काम करने वाले लोगों में से 75% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। वो मेहनत मजदूरी वाले काम में लगे होते हैं जिसके लिए किसी बहुत बड़े कौशल की जरूरत नहीं होती है। 75% लोग कृषि, खनन, निर्माण, रियल एस्टेट, छोटे उद्यमों में लगे होते हैं जहां श्रम शक्ति की जरूरत होती है। सारे आंकड़े बता रहे हैं कि नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद इन सभी क्षेत्रों की हालत खराब है। सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक 8 कोर सेक्टर की विकास दर 2% है। इन सारे सेक्टर में गिरावट का नतीजा ये हुआ कि हर सेक्टर में छटनी शुरू हुई। फैक्ट्रियां बंद होने लगी, शोरूम्स में ताले लगने लगे, लाखों की संख्या में लोगों की नौकरी चली गई। श्रम मंत्री को शायद ये ध्यान नहीं रहा कि ये लोग सारे कुशल कारीगर थे और अपनी कुशलता के दम पर काम कर रहे थे, पर नीतिगत गड़बड़ियों की वजह से उनकी नौकरी चली गई है। भारत के वाहन उद्योग में 10 लाख लोगों की नौकरी जाने वाली है और बताया जा रहा है कि 2.5 लाख लोगों की नौकरी चली गई। ये आंकड़ा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइन का है। 270 के करीब गाड़ियों के शोरूम देश भर में बंद हुए हैं, उससे कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। कपड़ा उद्योग में अकेले सूरत में 10 लाख लोगों की नौकरी गई है। केंद्र सरकार खुद रेलवे से 3.5 लाख लोगों को हटाने जा रही है। BSNL और MTNM में छटनी होने वाली है। स्टेट बैंक में उसके एसोसिएट बैंकों के विलय के बाद 10,000 लोगों की नौकरी गई है। अपनी योग्यता और क्षमता के दम पर बरसों से नौकरी कर रहे लाखों लोगों की नौकरियां चली गई और लाखों की जाने वाली है। पर श्रम मंत्री बता रहे हैं कि रोजगार की कमी नहीं है बल्कि लोग नाकाबिल हैं। इस तरह हकीकत से मुंह चुराना और अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने की नीति अंततः देश का ज्यादा नुकसान करेगी। YouTube पर नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वहां जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।